हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत भल का ग्रामीण विकास परियोजना अधिकारी सुनील चंदेल और बीडीओ अस्मिता ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीआरडीए अधिकारी व बीडीओ ने पंचायत घर बल का रिकॉर्ड तलब किया तो विकास में हो रही देरी के लिए पंचायत प्रधान और सचिव को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं पंचायत का रिकॉर्ड भी पूरा न होने पर प्रधान युद्धवीर सिंह को लताड़ लगाते हुए जल्द रिकॉर्ड दुरुस्त करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान डीआरडीए अधिकारी सुनील चंदेल ने पंचायत रिकॉर्ड तलब किया जिसमें मनरेगा 14वें वित्त आयोग में बचे हुए लाखों रुपए के पैसे को समय पर न खर्च पाने पर जवाब मांगा गया। वहीं पंचायत के वार्ड 2 में जाकर गांव का दौरा भी किया जिसमें गांव से शमशान घाट को प्रस्तावित सड़क के सालों से नहीं बनने पर प्रधान को जल्द मसले को सुलझाने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि इस सड़क को बनाने के लिए दो परिवार अड़ंगा बने हुए हैं क्योंकि सरकारी भूमि पर इन दोनों परिवारों ने अतिक्रमण करके घर बनाए हुए हैं जिस कारण शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं बन पा रहा है। हालांकि इसके लिए 2 लाख रुपए 14वें वित्त आयोग से स्वीकृत हुए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बल स्कूल परिसर की स्वच्छता जांची तो गांव में भी नालियों और रास्तों का जायजा लिया। डीआरडीए अधिकारी सुनील चंदेल ने बताया कि कई पंचायतें विकास कार्य के लिए स्वीकृत राशि को खर्च नहीं कर पा रही हैं जिसके तहत ही पंचायतों का औचक निरीक्षण करके जवाब तलब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बल पंचायत में पंचायत प्रधान को सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द लंबित पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बजट को खर्च करे ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। उन्होंने बताया कि पंचायत घर के रिकॉर्ड में भी कई खामियां पाई गईं जिस पर प्रधान को तुरंत रिकॉर्ड ठीक करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। बल्द पंचायत में आज हम वैसे ही खंड विकास अधिकारी के साथ निरीक्षण पे आए थे तो विभिन्न जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं जैसे मनरेगा है, पोर्टिंग फाइनेंस कमीशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंतर्गत जो जो पंचायतों में कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को देखना और उन कार्यों में कोई कमी है तो उसको पंचायत के प्रतिनिधियों और वहां के तकनीकी जो हमारे स्टाफ है उसको बताना हमारा कर्तव्य बनता है। इस पंचायत में काफी धनराशि जो है वो 14 फाइनेंस कमीशन की अभी तक जो है अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है। हमने यहाँ पंचायत के प्रधान जी और वहाँ के सेक्रेटरी इनको निर्देश दिए हैं कि उस पैसे को तुरंत जारी करें और कामों को निरंतर चलाए रखें जिससे कि जो जनता को धन मुहैया करवाया गया सरकार द्वारा उसका सही प्रयोग हो सके। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में जो कार्य चले हुए हैं उनका भी हमने निरीक्षण किया, कुछ उनमें जो कमियां पाई गई उनके बारे में दिशा निर्देश दिए गए। तो ये हमारा निरंतर एक प्रयास रहता है कि जो भी कार्य पंचायत द्वारा किए जाएं उनका विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाए जिससे कि उनमें कोई कमी हो तो उनको समय पर रहते ही दूर कर दिया जाए।